जोहार जय मूलनिवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। एक तरफ सरसंघ चालक मोहन भागवत ऐलानिया ये कह रहे हैं कि भारत के सभी लोगों का डीएनए एक है, तो दूसरी तरफ अन्य ब्राह्मण डीएनए पर कोई चर्चा होने देना नहीं चाहते। मोहन भागवत लगातार अपने कार्यक्रमों में डीएनए को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। इससे एक सवाल उभरता है कि जब किसी टीवी चैनल या अखबार में डीएनए को लेकर कोई बहस नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो सरसंघ चालक डीएनए के मुद्दे पर किसे जवाब दे रहे हैं? उन्हें डीएनए पर बोलने की क्यों जरूरत महसूस हो रही है? कौन उन्हें इस विषय पर बोलने के लिए मजबूर कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हमें रोहतक हरियाणा के ब्राह्मणों द्वारा मिले हैं। वामन मेश्राम की अध्यक्षता में 27 जून 2022 को एक डीएनए कॉन्फ्रेंस या डीएनए पर एक परिषद भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा आयोजित की गई है। यह परिषद जाट भवन सेक्टर 1 रोहतक हरियाणा में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। इस परिषद के उद्घाटक शमशेर सिंह मलिक, जो कि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है चौधरी सर छोटू राम विचार मंच के, मुख्य अतिथि के रूप में गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर विलास खरात, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव है, ये सभी मान्यवर उस परिषद में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम ना हो तथा वामन मेश्राम को रोहतक हरियाणा में आने ना दिया जाए, इसके लिए हरियाणा और विशेष तौर पर रोहतक के ब्राह्मणों ने 17 जून 2022 को डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। इतना ही नहीं बल्कि कार्यक्रम के आयोजकों पर यानी भारत मुक्ति मोर्चा के आयोजक कार्यकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई हो, इसकी भी उन्होंने वहां पर मांग की है। चूंकि राज्य में सरकार भाजपा की है और प्रशासन पर शासन का दबाव रहता है, इसलिए इस मामले पर डीएम ने भी उन्हें इन बातों के लिए आश्वस्त किया है। वामन मेश्राम का इसी प्रकार का विरोध कुछ साल पहले गुजरात के ब्राह्मणों ने किया था। वामन मेश्राम ने डंके की चोट पर गुजरात के कच्छ में अपना विशाल कार्यक्रम 2016-2017 और लगातार ले रहे हैं। आज भी उनके लाखों की संख्या वाले कार्यक्रम न केवल कच्छ में बल्कि सारे गुजरात में और समस्त देश भर में चल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी वामन मेश्राम की राज्य स्तरीय रैलियों के कार्यक्रम प्रत्येक राज्य में चल रहे हैं। उसी अभियान के अंतर्गत हरियाणा के रोहतक में भारत मुक्ति मोर्चा की राज्य स्तरीय महारैली होने वाली है, जिसे ब्राह्मणों ने विरोध करने का काम किया है। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है, ये बात अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी साबित हो चुकी है और ब्राह्मण नहीं चाहते कि उसकी जानकारी समस्त बहुजन समाज के लोगों को मिले। अगर यह जानकारी मूल निवासी बहुजनों को मिल जाती है तो ब्राह्मणों के विरोध में एक बड़ा विद्रोह हो उठेगा। जिन एससी एसटी ओबीसी के लोगों का ब्राह्मणों ने आज तक हिंदू के नाम पर केवल इस्तेमाल किया, उन्हें गुलाम बनाकर रखा, वही एससी एसटी ओबीसी के लोग ब्राह्मणों को और उनके धर्म को छोड़कर चले जाएंगे, ये खतरा ब्राह्मणों को सता रहा है। इसीलिए ब्राह्मण डीएनए की चर्चा पर रोक लगाना चाहते हैं, उसकी चर्चा बंद कराना चाहते हैं। गुजरात के बाद अब हरियाणा के ब्राह्मणों ने जिस तरह से वामन मेश्राम का विरोध किया है, उसका ज्यादा फायदा तो वामन मेश्राम और उनके संगठन को ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वो तमाम खबरें चल रही हैं। इससे एक बात सामने आई है कि कल तक ब्राह्मणों ने जिन एससी एसटी ओबीसी का केवल इस्तेमाल किया, अब वे लोग ब्राह्मणों के समर्थन में नहीं है, इसलिए खुद ब्राह्मणों को ही सामने आकर वामन मेश्राम का विरोध करना पड़ रहा है। अन्यथा इसके पहले ब्राह्मण बहुजनों को ही बहुजनों के साथ में लड़ाते थे, उनका मुसलमानों के विरोध में लड़ाने भिड़ाने के लिए दंगों फसादों में इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज बामसेब जैसे सामाजिक संगठनों की जागृति की वजह से ब्राह्मणों के पास इस्तेमाल करने के लिए कोई नहीं है और वे खुद ही विरोध कर रहे हैं। गुजरात के बाद हरियाणा के ब्राह्मणों को शायद यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनके इस तरह के विरोध करने का फायदा वामन मेश्राम को ही मिलता है। ये बात महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को समझ में आई है, इसलिए वे सामने आकर वामन मेश्राम या उनके संगठनों का विरोध नहीं करते।
जब हमने इस मामले पर भारत मुक्ति मोर्चा से जानकारी लेने का प्रयास किया कि ये क्या मामला है, तो हमें पता चला कि उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण रोहतक में वामन मेश्राम के कार्यक्रम का विरोध जारी रखेंगे और कार्यक्रम नहीं होने देंगे तो वामन मेश्राम नागपुर के संघ कार्यालय पर कम से कम 100,000 लोगों का मोर्चा लेकर जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिख कर रखा है कि नाग दबाओ तो मुंह खुलेगा। इस कहावत को वामन मेश्राम अब अमली जामा पहनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। नागपुर का संघ कार्यालय वैसे भी अनुसूचित जाति के लोगों की बस्ती से घिरा हुआ है, बिल्कुल बीच में है, आसपास में सारी अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं। देश भर से 100,000 लोगों का मोर्चा संघ कार्यालय पर लेकर जाना वामन मेश्राम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।